गुड इवनिंग बच्चों गानीस बायो क्लासेस और स्काई पी एम टी में सारे बच्चों का स्वागत है प्रत्येक दिन शाम को साढ़े आठ बजे से सॉरी साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे के बीच हमारी टीजी टी, पीजीटी की क्लासेस चलती हैं अब तक हम सब ने टीजीटी पी जी टी की क्लासेस में लोअर प्लांट लोअर एनिमल्स और एनिमल फिजियोलॉजी को कंप्लीट करा लिया है अब हम साइटोलॉजी पर काम कर रहे हो साइटोलॉजी में इस समय हम लोग सेल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है तीन यूनिट के बाद ये चौथी यूनिट है जो हमारी चल रही है बेटा और इन चार यूनिट से हम निर्माण कर चलते हैं पैंतालीस से पचास परसेंट सिलेबल कंप्लीट हो जाता है दो बातें बार बार बोलता हूं और हर बार कहता हूं पहली चीज ये सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है कि हर टॉपिक पर किसी भी सब्जेक्ट के हर टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन रट करके पेपर अन्शॉर्ट को सॉल्व करके जब हम जाते हैं तो हम 70 परसेंट पचहत्तर परसेंट पर, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जब 20-25 परसेंट बचे हुए सिलेबस की बात आती तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए सभी बच्चों से जो लोग भी टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सिस्टमेटिकली पढ़ें समय जरूर लगता है लेकिन सिस्टम से पढ़ें बच्चों एग्जाम आपका जब भी होगा जैसे भी होगा जो भी नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट के द्वारा आएगी इसीलिए बेटा मैंने जो क्लासेस आपको शुरू कर रखी है मैंने दी हुई है उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं बाउंड किया है कि आप इस प्रकार से कोर्स को परचेस करते हैं और ये उसका कुछ उस फिक्स टाइम है दूसरी चीज बेटा क्लासेस जो मैं ले रहा हूँ लगातार मुझे उम्मीद भी है और पूरा विश्वास भी है कि आप इन क्लासेस को देख करके आपको अच्छा भी लग रहा होगा और आप निश्चित तौर पे महसूस कर रहे होंगे कि अब आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा ये मुझे विश्वास है मैंने बेटा टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर शुरू कर दिया है और मैं उसको बताना चाहता हूं कि मैं टेस्ट को कैसे ले रहा हूं बच्चों पहले मैं चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहा हूं कंप्लीट 25 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में आ रहे हैं 25 क्वेश्चन ठीक है बेटा चैनल को आप लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को बेटा लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ठीक है तो बच्चों अगला पॉइंट मेरा यह है कि मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट का शेड्यूल बनाया हुआ है वो आज हमारी क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा हफ्ते में तीन टेस्ट करेंगे बेटा अभी हम जब जरूरत पड़ेगी ज्यादा करने की तो कर लेंगे 25-25 क्वेश्चन छोटे छोटे चैप्टर्स आराम से पढ़ते रहिए आराम से का मतलब है डीपली पढ़िए और कायदे से पढ़िए ये मेरे कहने का मतलब भागदौड़ में नहीं इसलिए दो दिन का समय दिया हुआ बेटा ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आप किताबों से क्वेश्चन लगाइए कहीं से मिले वहां से क्वेश्चन लगाइए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए एम पी कौशिक रमेश गुप्ता के क्वेश्चन लगाइए नीट की जो बुक्स आती हैं कुमार मलिक की या जी बी ए जी आरबी पब्लिकेशन की उनको क्वेश्चन लगाइए कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए क्वेश्चन मैक्सिमम लगाइए और क्वेश्चन लगाने के बाद आप ये देखिए बेटा कि जो आप क्वेश्चन कैसे हैं इसका तो महत्व रहता है इन टेस्ट में मेरे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं इसका महत्व कहीं ज्यादा रहता है टेस्ट में कितने क्वेश्चन कौन से किस प्रकार क्वेश्चन है ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन हमारे टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्यों महत्वपूर्ण होता है जो मैंने पढ़ा है मार्क्स उसी से आएंगे ठीक है ना इसलिए टेस्ट देना जरूरी है और अभी क्लास के बाद आपको जो है इसका कंप्लीट शेड्यूल मिल जाएगा टेस्ट का ओके बेटा अच्छा चलिए अगली बात तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं और जो साढ़े नौ से साढ़े दस और ग्यारह बजे का टाइम बहुत तो सही रहता है मुफीक रहता है किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है सेल के पार्ट को हम लोग बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है और क्वेश्चन को बेटा हम कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी लेवल पर पूछ सकते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरप्लास्ट दोनों में ही डीएनए प्रेजेंट होते हैं ठीक बेटा दोनों में सर्कुलर डीएनए है दोनों में 70S प्रकार के राइबोसोम है और दोनों में सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है एक में क्रिस्टी के फॉर्म में होती है और दूसरी में क्रोमेटोफोर्स या थैलेक्ट के फॉर्म में होती है इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों ही बेटा प्रोक्रेटिक सेल के सिमिलर होती है इस प्रकार कहते हैं इनको सेल विद इन द सेल राइबोसोम को आर्गेनल विद इन द आर्गेनल कहते हैं बेटा आर्गेनेल आर्गेनल विद इन आर्गेनल राइब्रोसोम को कहते हैं क्योंकि ये आर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में भी होता है और आर्गेनल के अंदर भी होता आर्गेनेल आर्गेनेल है आर्गेनल विद इन आर्गेनल कहते हैं बहुत अच्छे ढंग से आपने पढ़ा है मुझे उम्मीद है कि अच्छा भी लगा होगा बेटा ठीक है आज बेटा हम लोग शुरू करते हैं आगे के टॉपिक देखते हैं कहां तक पहुंचे थे हम लोग शायद मुझे अगर याद हो रहा होगा या याद आ रहा होगा तो मैं आपको कहां तक पहुंच चुका था बेटा आप बताएंगे बेटा राइबोसोम बता चुका था ना बेटा यस yes. मैं राइबोसोम बता चुका था बेटा कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम हो चुके थे स्वेडबर यूनिट हो चुकी थी साइट सिल्वर ये भी बता दिया था सीलियन फ्लैश का बताया था बच्चों सीलियो फ्लैश का बताया था कि नहीं बताया था शायद बता दिया था Cilia फ्लेजला बता दिया था यस yes, याद आ रहा <coughs> ना बताया तो एक्सप्लेन कर दें, ये बता दिया था सेंट्यूल्स एंड फ्लेजला सीलिया में डिफरेंस थे चलो माइक्रोबॉडीज पढ़ानी है ठीक है ओके okay. चलिए माइक्रोबॉडीज कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं स्फियोसोम्स चार से पांच पॉइंट बेटा स्फे पर हैं जो मेंशन किया के कि आप आराम से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा बताइए स्फेसोम में पहला पॉइंट क्या लिखा है मेंशन किया बेटा <coughs> प्रेजेंट इन सीड्स ऑफ कैस्टर पेस्टर के सीट में पाए जाते हैं सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं क्योलिक मेम्ब्रेन पाई जाती है समनियंस लाइक लाइसोसोम्स प्रेजेंट समनियंस लाइक लाइसोसोम्स प्रेजेंट एक क्वेश्चन और कहते हैं बेटा इनको हम लोग ऐसे कह सकते हैं इन्हें क्या कहते हैं बेटा प्लांट का लाइसोसोम्स कहते हैं इन्हें बेटा क्या कहते हैं प्लांट्स का लाइसोसोम कहते हैं और प्लांट्स का लाइसोसोम कहते हैं और लाइसोसोम तो हम आपको बता ही चुके करेक्ट फंक्शन का कलेक्शन ट्रांसलोकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फैट है और फैटी सीड्स में प्रेजेंट होते हैं कैस्टर सीड रिस इसका नाम है आयल ही तो इसमें फूड स्टोर होता है ठीक दूसरा अर्था लाई लोमा सोम छोटे छोटे से बेटा कैसे पढ़ोगे बेटा सेलवाल और सेल मेम के बीच पाए जाते हैं प्लान है सेल में मेनली फाई में प्रेजेंट होते हैं बेटा हेल्प इन द सेल एलेबोरेशन निश्चित फंक्शन का अननोन है शायद सेल के एलेबोरेशन में हेल्प करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पराक्सीसोम माइक्रोबॉडीज पराक्सीसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं आल्सो इन एनिमल आल आल सेल्स प्लांट सेल्स में भी, भी होती है एनिमल सेल में भी होती है C3 प्लांट में होती है फोटोरिस्पर्शन में भाग लेती है फोटो में भाग लेती है बेटा ठीक इसमें बेटा एंजाइम कभी कभी देखना डायरेक्ट पूछा जाएगा एंजाइम ऑक्सीडेज और कैटेलेज होते हैं एंजाइम क्या होता है बेटा ऑक्सीडेज हुआ, कैटलेज होते हैं जिनका सही मायने में अगर काम कहा जाए तो बेटा ऑक्सीजन को मिलाकर H2O2 है। बनाते हैं और फिर ये अन्याय वापस इसको इसमें तोड़ देते हैं ये ऑक्सीडेस कैटेलिस का फंक्शन ये ऑक्सीडेस का फंक्शन ये कैटेलेस का फंक्शन है पराक्सिस सोम का फोटो रिस्पेशन और फंक्शन हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में जब रिस्पेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे बेटा वहां पर यहां पर आपको पता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स बताओ बेटा परसोम होता है कहोगे यस माइटोकांड्रिया होता है कहोगे यस क्लोरोप्लास्ट होता है कहोगे यस तीनों ही बेटा रेप्लिकेट होकर के अपनी संख्या को बढ़ाते हैं बच्चों लेकिन इन दोनों में डीएनए होता है और ये बेटा विदाउट डीएनए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा जब आप पीजीटी में जाएंगे टीजीटी पर ये लेबल नहीं आता बेटा ठीक है ना ये क्वेश्चन टीजीटी पर बेटा नहीं है पीजीटी पर आना है ओके okay, ठीक वहां पर जाएगा पराक्षी सोम का यहा क्वेश्चन बेटा ठीक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ये तो वहां पर बेटा इसको डिस्कस करेंगे हम लोग यहां पर ज्यादा पॉइंट नहीं लेने हम सबको है ना चलिए अगला बेटा हमारा है। कहां पर प्रेजेंट है फैटी सीड्स कैस्टर में भी होते हैं है। ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल होती है कन्वर्जन ऑफ फैट इंटू द कार्बोहाइड्रेट है बेटा जब सीड जर्मिनेशन होता है आप सोच कर देखो बेटा जब कैस्टर का सीड बेटा जर्मिनेट होता है एट टाइम ऑफ एट टाइम ऑफ बेटा सीड जर्मिनेशन है कि नहीं सीड जर्मिनेशन के समय मेरे बच्चों जर्मिनेशन के समय क्या होता है जो फैट होता है वो बेटा शुगर में बदलता है इस साइकिल को ग्लाई ऑक्सरेट साइकिल कहते हैं एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछा है दो क्वेश्चन को बनने और उसे रट डाली हो जाएगा काम आपका क्या बुराई है बेटा इसी को ग्लाई ऑक्स और फिर शुगर का ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी बनती है फर्दर सेलुलर uh, एक्टिविटीज आप सेल डन बेटा चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जा रहे हैं आप न्यूक्लियस पर बहुत गौर से सुनिए बेटा बहुत से कॉन्सेप्चुअल हैं कुछ चीजें हम लोग इसमें डायरेक्ट आपको डिस्कस करते हैं बता रहे हैं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा बेटा ठीक है और उम्मीद भी है आपसे कि आप अच्छा करेंगे बेटा बच्चों जो लोग अभी शामिल हुए हैं उनको मैं बता दूं बेटा कि आपको आपको बेटा हम अभी क्लास के बाद टेस्ट शेड्यूल देने वाले हैं हमारे टेस्ट शेड्यूल में पहले बेटा प्रोटोजुआ से लेकर के कॉर्डेटा तक चैप्टर वाइज 25 क्वेश्चन का शामिल है फिर बेटा प्लांट क्लासिफिकेशन जैसे एल्गी है बैक्टीरिया है फंजाई है लाइकेन है वायरस है ऐसे चैप्टर वाइज जिम्नोसम तक शामिल है बेटा उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चन आप कर चुके हो उसमें पच्चीस क्वेश्चन और एड कर देंगे हम उसको बढ़ा देंगे वो शामिल है ओके okay, बच्चों तो इस प्रकार से आपके पूरे लगभग हमने 30 टेस्ट फ्रेम कर दिए और मैं चाहता हूं इन टेस्ट को मैं अल्टरनेट दूंगा बेटा हर दूसरे दिन एक टेस्ट करेक्ट है अब आपका टाइमली बेटा 24 घंटे के लिए ओपन रहेगा और हर संडे को बेटा सारे टेस्ट फिर से एक बार ओपन कर दिया करेंगे जिससे कि जो टेस्ट आपका छूटा हो वो आप संडे को दे लीजिए आराम से ठीक <coughs> है आइए उसके बाद बेटा साइटोलॉजी का शुरू करते हैं करीब 28 टेस्ट हैं आपके इस तीन यूनिट से बने हैं करेक्ट बेटा 28 टेस्ट है ओके okay. सेल में बेटा तीन क्वेश्चन सेल का स्ट्रक्चर हो जाएगा बायोमालिक्यूल हो जाएगा अब सेल डिवीजन तीन इसके हो जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो जेनेटिक्स आ जाएगा ओके okay. पहला क्वेश्चन क्या है न्यूक्लियस को कैसे डिफाइन करते हो केंद्रक को बेटा कैसे परिभाषित करते हो ठीक सभी को गुड इवनिंग बेटा लाइक और शेयर जरूर कर लिया करो बच्चों लाइक और शेयर किया करिए ठीक है, है। आइए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल टू कंट्रोल मार्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड अदर सेल आल्सो द सेल का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि सेल की सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करें और सेल के बाहर भी अपने ऐसे प्रोडक्ट बनाए कि दूसरी जगह भी उसको कंट्रोल कर सके बेटा जैसे हार्मोन्स पढ़ते हैं हम लोग बेटा किसी एक जगह ग्लैंड से सिक्रीट हार्मोन किसी दूसरी सेल में जाकर वहां पर बेटा कंट्रोल करने का काम करता है इसीलिए मैंने लिखा अपनी सेल के साथ साथ कहीं और भी सेल को कंट्रोल करता है ठीक बेटा गुड इवनिंग सभी को बेटा एक क्वेश्चन इट इज एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक बेटा ये साइटोप्लाज्म के अलावा होता है लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक होता है बेटा इट इज एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक बट प्रोटोप्लाज्मिक क्योंकि याद है मैंने प्रोटोप्लाज्म को तीन भागों में बांटा है सेल मेम्बरेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस है तीन भागों में मैंने बांटा हुआ है बेटा इसलिए न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के बाहर का पार्ट माना जाता है ये क्वेश्चन भी कभी कभी फ्रेम हो जाता है मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट एट आपको पता है बेटा सेल साइकिल होती है और सेल साइकिल में दो फेज होती है इंटरफेज और एम फेज इंटरफेज और एम फेज, फेज बेटा आपको मालूम है इंटरफेज में सेल सबसे ज्यादा एक्टिव, तो एक्टिव होती है मोस्ट एक्टिव सेल कब होती है तो अब इंटरफेज लगाओगे सेल मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा कब एक्टिव होती है लगाओगे चलिए अगला क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड किसने खोजा है रॉबर्ट ब्राउन ने कब खोजा है 1831 में कहां से खोजा है आर्किड की रूट से खोजा है अगला क्वेश्चन फ्लेमिंग ने क्या किया है रंगा है न्यूक्लियस को कलर किया है किससे कलर किया है बेटा कलर एजेंट बताओ बेटा बेसिक स्ट्रेन से बेसिक हीमेटोजाइलिन ही ब्लू कलर देता है बेटा करेक्ट है चलो आओ हैमरलिंग सुना होगा बेटा हैमरलिंग ने न्यूक्लियस के महत्व को बताया बेटा यहां पर हम फिगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे हैमरलिंग ने न्यूक्लियस के महत्व को बताया कहा कि न्यूक्लियस ही सेल की मार्फोलॉजी को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस ही सेल के फॉर्म को बनाता है अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल की मार्फोलॉजी नहीं हो पाती मार्फोलॉजी बेटा न्यूक्लियस किसने बताया है? ने। अब क्वेश्चन हुआ किस प्लांट में बताया है जबरदस्त बताओगे बेटा तो एसिटाबोलेरिया एसिटाबुलरिया है क्या है एलगी बेटा कैसी एलगी है बेटा ग्रीन एलगी है और कैसी एलग बेटा लॉन्गेस्ट है और कैसी बेटा यूनिसेलुलर है बातें और हैं ठीक लॉन्गेस्ट यूनिसेर ग्रीन एल है बेटा अब इसमें बेटा एक्सपेरिमेंट है उस पर मत जाओ पढ़ा रहे इतना याद कर लो बेटा ने कहा न्यूक्लियस किससे बनता है न्यूक्लियस से मैं तीन चीजें बोल रहा हूं बेटा न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनता है सेल से सेल बनती है ऑर्गेनिजम से ऑर्गेनिजम बनता है चलिए सभी बच्चों इन तीनों क्वेश्चन का जवाब दो बेटा मैं कहीं लिख देता हूं ना आइए यहां पर बेटा न्यूक्लियस से न्यूक्लियस सेल से सेल से, और आर्गेनिजम से ऑर्गेनिजम बनता है यहां से यानी लिखोगे बनता है बताओ बेटा किसने कहा न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनता है किसने कहा स्टास बर्गर ने वेरी गुड बेटा बहुत खूबसूरत सेल से सेल बनता है किसने बताया रुडाल विरचो ने खूबसूरत बहुत खूबसूरत बेटा ऑर्गेज से ऑर्गेजम बनता है अब इसका भी जवाब दे दो तो आज आपको हंड्रेड मार्क्स मिल गया बेटा ऑर्गेनिम से ऑर्गेनियम बनता है बानो बहुत खूबसूरत बेटा न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनता है स्ट्रास बर्गर ने कहा सेल से से सेल बनती है रुडाल ने कहा इन ऑर्गेनिजम से ऑर्गेनियम बनता है यह भी जवाब दे दो तो भानु रविंद्र ने भी सही जवाब दिया भानु फ्लेमिंग नहीं फ्लेमिंग नहीं एनी वन मोर कोई और से बनता है देखो बेटा जब क्लास हम लोग जब बढ़िया सा पढ़ते हैं जब आनंद आने लगता है मुझे मालूम है कि आप लोग बेटा क्लासेस में पढ़ाते भी हो कोचिंग भी बच्चों को देते हो स्कूल भी ज्वाइन कर रखा है आप सबने और कभी कोई तो बता रहा था गवर्नमेंट टीचर भी है वो और अच्छी पढ़ाई करना चाहता है इस वजह से पढ़ रहा है तो आपके अंदर कहीं कोई कमी नहीं है पास्चर गुड मंता परवीन लुई पाश्चर बेटा वेरी गुड देखा ना नहीं कह इतने सितारे छुपे हैं इतने हीरे छुपे हमारे पास कि जवाब ही नहीं है बहुत अच्छे बहुत अच्छे मंत्र साहब मुझे तो कुल क्वेश्चन पूछने में मैं क्या बताऊं बेटा आप लोग खुद इतने हीरो की तरह हमारे परिवार में शामिल हो बहुत खूबसूरत बेटा बहुत अच्छा अच्छा लगता है जब आप से देते हो बहुत अच्छे से देते हो देखो थोड़ा सा समय दिया आपने आंसर बताया बहुत खूबसूरत बेटा बहुत अच्छे बस ऐसे ही आप अपने आप को आगे बढ़ाते चलिए करेक्ट है बहुत खूबसूरत बेटा चलिए लाइक और शेयर भी करते रहा कर बेटा हाँ। अब बेटा अब ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं ये टर्मिनोलॉजी है देखो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस बताने आपको सोचो बेटा यूनि न्यूक्लियर सेल में बेटा एक न्यूक्लियस जानते हैं सब लोग जानते हैं बहुत अच्छा सा है बाई न्यूक्लिए दो न्यूक्लियस दुई केंद्रीय पैरामिशियम में एक छोटा न्यूक्लियस होता है एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और छोटा न्यूक्लियस बेटा रिप्रोडक्टिव होता है और जो बड़ा न्यूक्लियस वेजिटेटिव होता है छोटा न्यूक्लियस जो होता है केवल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है और बड़े न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करता रहता है और बड़े न्यूक्लियस का काम होता है डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज डे टू डे एक्टिविटीज का मतलब है जितने भी दिन की क्रिया कराते हैं वो मेगा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है शाम तक बेटा थक जाता है थक जाता है डिट्यट हो जाता है खत्म हो जाता है समाप्त हो जाता है और जब बेटा समाप्त होता है तो दूसरा चाहिए तो बेटा छोटा वाला न्यूक्लियस फिर डिवाइड होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देता है और ये न्यूक्लियर री बेटा एसेक्सुअल प्रोडक्शन के द्वारा भी होता है सेक्सुअल के द्वारा भी होता है गेमी, गेमी, कंजुगेशन बाइंडरी फ्यूजन सबका एक काम होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस मेगा न्यूक्लियस बाई माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम पर्टिकुलरली जब तो उसे डिटेल्स पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा ओके okay, बेटा वहां दो न्यूक्लियस होते हैं छोटा एक बड़ा डाइ सेल बेटा बाई में भी दो है डाई में भी दो है ये तो खूबसूरती है लेकिन दोनों का नाम बेटा यहां पर अलग है देखो बाई और डाई कहा गया है दो दोनों में लेकिन दोनों में देखो यहां पर डाई में बेटा एस्कोमाइस्टिस और बेसिटोमाइस्टिस फंगस में ऐसा होता मैंने बताया था बेटा दो स्ट्रेन के हाइफी आते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की प्लाज्मो होती दोनों के सेल के न्यूक्लियस

सेल में पाया जाता है जो जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन के होते हैं इसे डाई कहते हैं और डाई कहा जाता है जब दो न्यूक्लियस होते हैं n प्लस एन ऑर्गेनाइजेशन होता है इसे टू ए नहीं बोलते हैं इसे बेटा n प्लस एन कहते हैं बेटा फंगस में है ये इस करेक्ट आइए फिर चलो मल्टी न्यूक्लेटेड का मतलब मिनी न्यूक्लियस कई जगह पर होता है ठीक आप कह सकते हो बेटा एक एग्जाम्पल है ठीक एंडो इस पर नारियल। कोकोनट का एंडोस्पम बेटा मल्टी होता है लेकिन दो एग्जाम्पल आवे हैं एक सीनोसिटिक है एक, एक सीनसी जब कभी बेटा किसी एक सेल में न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो अपनी संख्या को बढ़ा ले तो बेटा उसे मल्टीन्यूक्लियेटेड सिनोसाइटिक कहते हैं मल्टीन्यूक्लियेटेड सिनोसाइटिक कहते हैं और जब बेटा कई सेल हो और कई सेल में उसके बीच की वॉल डिसॉल्व हो जाए घुल जाए सिन सिन सिन, सिन फ्यूज हो जाए सिनसियल कहते हैं एक सिनिसियल हो गया तो बेटा मल्टीन्यूक्लियेटेड दोनों होती है एक सिनोसाइटिक होती है एक सिनसियल सीनोसिटिक फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और सिंस फॉर्म बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ये एपिडर्मिस ऑफ एस्क्रिस है वो बेटा राइजोपस की हाइफी होती है राइजोपस हाइफी राइजोपस हाइफी बच्चों मेरे प्यारे बच्चों कैसा लग रहा निश्चित तौर पर आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी बेटा लाइक और शेयर करते रहा करो लाइक like, कम होते हैं बच्चे ज्यादा होते हैं तब लगता है ऐसा क्या है, है? उंगली लाइक पर नहीं जाती क्या मेरी तरह है ना बेटा आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेलेंट लिखने से बेटा मेरा खून बढ़ गया देखो पांच लीटर से बारह लीटर हो गया आज मंत्रसा के लिखते ही नहीं दीपक ने भी देखो लिख दिया बहुत अच्छा लाइक में भी बढ़ गए लोग चलिए आइए बेटा फिर कहते हैं है। मतलब क्या होता है मतलब पहले न्यूक्लियस हो और बाद में ना हो उसे सेल कहा जाता है क्या कहा गया बेटा पहले न्यूक्लियस हो और बाद में ना हो इसे बेटा क्या नाम देते हैं इन्यूक्लिएटेड कहते हैं मेच्योर मेमिलियंस आरबीसी बेटा इन्यूक्लिएटेड होती है और सीब ट्यूब सेल्स आफ फ्लोयम में लिख दूं तो शायद अच्छा रहेगा सेल्स ऑफ फ्लोयम फ्लोयम की बेटा ये भी इनिपुलेटेड होते हैं ऐसे लाइव होते हैं ऐसे लाइव होते मेरे बेटे करेक्ट है ना तो मुझे उम्मीद है नंबर्स और नंबर के बाद हम ये नंबर नहीं कहते नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल ध्यान रहे बेटा नंबर्स और नंबर के बाद जो कॉन्सेप्ट है चीजों का वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है छोटी छोटी सी बातें होती हैं फिर तो रटना तो है ही है बेटा ध्यान से सुनना मैं बताऊं आपको कि ये जितना भी चीज आप देख रहे हो पता नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है या मैं कर नहीं रहा हूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बहुत ही चाहता हूं कि मैं किसी दिन आपसे बेटा बात करूं फेस टू फेस जो जूम ऐप होता है कर नहीं पा रहा हूं ठीक प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस रहता है है ना वो मेगा होती हैं, उनके फ्रेगमेंटेशन से बनती है तो जूम पर बात करेंगे बेटा तो बस क्वेश्चन का केवल केवल पूछते चलेंगे आप खुद सोचो बेटा ये जो मैटर बना हुआ है अगर मैं क्वेश्चन को, को पूछता रहूंगा और बार बार पूछूंगा तो आपको खुद कहोगे लो जबकि मैंने तो कहा है ना कि मुझे तो इसी तरह से कराना ही कराना और जब बेटा एग्जाम आएगा ना तो जू मैप पर बुला करके सबको जो लोग ज्वाइन किए रहे हैं जू मैं पर बुलाया और सबको क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपने फाइल निकाल लिया चलिए शुरू करते हैं और ऐसी नोट करके बस चलते रहिए चलते रहिए स्लाइड चलती रहेगी ना लिखना है ना समझाना है क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आगे जब भी एग्जाम होगा उसके पंद्रह दिन पहले बहुत कुछ कर डालेंगे निश्चिंत रहना उसके लिए बिल्कुल परेशान मत रात आप जागना दो रातें हम जागेंगे है ना ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर आगे ऐसे थे और कुछ भी तो नहीं था नंबर डेफिनेशन चलो स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आप सब लोग बेटा अच्छा सा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर भी जानते हो हमने कहा इसमें चार कंपोनेंट है न्यूक्लियर इनवेलप है न्यूक्लियर न्यूक्लियोलस है बेटा ये है ना ये सॉरी न्यूक्लियो प्लाज्मा बेटा ये न्यूक्लो प्लाज्मा बेटा ये न्यूक्लियोलस है और ये क्रोमेटिन है चार चीजें <laughs> कहां आया था बेटा टेस्ट में निधि निधि किस टेस्ट में आया था क्वेश्चन ये बोलो बेटा निधि कहां आया था पेपर में किस टेस्ट में किस पेपर में चलो निधि लिखते रहना मैं अगला क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूं चलो बहानू की बात को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कंट्रोल रूम इन द सेल फॉर द सेल फॉर द सेल्स कंट्रोल रूम इन द सेल फॉर द सेल ठीक एंड फॉर द सेल अपनी सेल के लिए भी और दूर वाली सेल के लिए भी एफ ए आर फॉर दूर वाली सेल के लिए भी दूर वाली सेल के लिए कंट्रोल रूम होगा कि नहीं होगा जरूरी नहीं अपनी सेल के लिए तो कंट्रोल रूम है ओके बेटा तो आया था सर ठीक <coughs> तो आप कर पाए नहीं कर पाए थे बेटा मैं बताऊं आपको बात पीजीटी 2016 की नहीं मेरे बच्चे मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरी बात का केवल विश्वास कर लो केवल विश्वास कर लो जिस दिन हम पूरा सिलेबस पढ़ाकर खड़े होंगे ना पूरी बायोलॉजी पढ़ाकर एक बार खड़े होंगे ना उसके बाद टीजीटी पीजीटी जीआईसी जितने भी आपके एग्जाम होंगे मुझे उम्मीद है कि आप सारे चीजें आपको मिलती नजर आएंगी पूरी ठीक ओके चलिए बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर डबल यूनिट मेम्ब्रेन होती है दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं जो 50 से 100 नैनोमीटर डायमीटर का होता है पोर्स होते हैं बेटा पोर्स होते हैं इन पोर्स से आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट होता है आरएनए बेटा अंदर से बाहर आता है प्रोटीन बाहर से अंदर जाता है आरएनए बेटा है ना इन टू आउट अंदर से बाहर आता है अंदर से बाहर आता है प्रोटीन बेटा बाहर से अंदर जाता है ये मूवमेंट होता है दोनों डायरेक्शन है ओके बेटा क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है आरने की जरूरत बाहर होती है जब प्रोटीन जरूरत अंदर होती थी यहां से अंदर प्रोटीन जाता है बेटा अगला क्वेश्चन बेटा इस मेम्ब्रेन पर ईआर e अटैच होता है ईआर e अटैच होता है आउटर मेम्ब्रेन पर अंदर बेटा न्यूक्लियर लेमिना होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए एक प्रकार का स्केल्टन कह सकते हैं ओके बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया न्यूक्लोप्लाज्म दिस इज द न्यूक्लोप्लाज्म ન્યુક્લિયો પ્રાઝમિક કન્ટેન્ટ ન્યુક્લ્યોલસ એન્ડ ક્રોમેટીન ન્યુક્લ્યોસ ઓફ ક્રોમેટિન न्यूक्लियोलस पहला क्वेश्चन क्या बताया Funtana ने बेटा डिस्कवर्ड किया बोमन ने इसका नाम दिया वैगन ने इसे डिस्क्राइब किया दिस वन ठीक इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इसे सब आर्गेनल कहते हैं न्यूक्लियस आर्गेनल उसके अंदर है तो सब आर्गेनल कहते हैं आइए इसमें बेटा देखो इसको स्ट्रक्चर बताएंगे इसमें क्या होता है बोल रहा हूं मैं इसमें बेटा मैट्रिक्स होता है दिस इज द मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा बना रहा हूं करेक्ट बेटा मैट्रिक्स फिर होते हैं दिस वन फिर फाइबर्स होते हैं दिस वन फाइबर्स फिर क्रोमेटिन होते हैं डीएनए दिस वन क्रोमेटिन बेटा कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं जो इसमें पाया जाता है मुझे उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स है पार्स एमोरफा कहते हैं पार्स ग्रेनुलोसा कहते हैं पार्स फाइब्रोसा कहते हैं एंड क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है डन बेटा इज करेक्ट बेटा है ना ओके बेटा फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोलस बहुत अच्छे से पॉइंट से डीएनए लगा हुआ है क्या लगा बेटा डीएनए मैं यहां भी लगा दूंगा इस न्यूक्लियोस से डीएनए लगा हुआ दिस वन इज डीएनए बेटा और जिस जगह पर लगा तो उस पॉइंट को बेटा एनओआर कहते उसको क्या कहते हैं बेटा एनओआर कहते हैं क्या नाम देते दे बेटा एनोआर कहते हैं ध्यान से सुनिएगा एनोआर कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन दिस इज द साइट फॉर सेंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आर एन ये वो डीएनए होता है बेटा इसमें वो जींस पाए जाते हैं इसमें वो जीन्स पाए जाते हैं इनमें वो जींस पाए, पाए, पाए जाते हैं इनमें वो जीन्स पाए जाते हैं जो आर आर बनाता है आरआर ने बनाता है आरआर ने बनाता है इसीलिए इस न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं इस न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं इस न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है बेटा चलिए हम इस पर अभी थोड़ी सी बातें थोड़ा सा आगे करने वाले बेटा ठीक है नेक्स्ट पेज पर भी चलेंगे तो शायद आओ यहा बेटा देखो ये डीएनए है ये न्यूक्लियोलस लगा हुआ है जहां से डीएनए न्यूक्लियोस से लगा है उसी को सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं उसी को एनओआर कहते हैं ह्यूमन में फाइव पेयर क्रोमोसोम पर होते हैं इन क्रोमोसोम ह्यूमन में फाइव पेयर क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में फाइव पेयर क्रोमोसोम में बेटा ह्यूमन में बेटा पांच जोड़ी क्रोमोसोम में एनवार होता है उसको याद करना होगा इंपॉर्टेंट है तेरह चौदह पंद्रह इक्कीस और बाईस न्यूक्लियोलस रिच इन आरएनए सही है न्यूक्लियोलस रिच इन आरएनए ये सही है न्यूक्लस में आरएनए प्रेजेंट होता है और रिच होता है सही है करेक्ट है ये समझ में आया बेटा ये पूरा हमने न्यूक्लियोलस बताया और न्यूक्लियस से अटैच जो डीएनए है वो डीएनए उस पर प्रेजेंट जीन ये राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं राइबोसोमल आरएनए जो याद करो मैंने राइबोसोम्स बनने को बताया था ठीक है बेटा न्यूक्लियोलस के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस के बाद बेटा हमारे पास जो है वो है क्रोमेटिन क्रोमेटिन किसका बना होता है प्लस 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 इस क्रोमेटिन में क्या होता है डीएनए प्लस, प्लस, प्लस प्रोटीन प्लस आरएनए डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस 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 में होता है चलिए बेटा राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है आंसर बोलो बेटा राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है और राइबोसोमल फैक्ट्री किसे कहते हैं बोलो बेटा राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है गिव मी आंसर बेटा राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री बेटा राइबोसोम में प्रोटीन बनता है राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन और राइबोसोमल फैक्ट्री किसे कहते हैं न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं न्यूक्लियोलस को बेटा राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं ओके बेटा डन ये क्वेश्चन है बाद में कराएंगे क्रोमोसोम पर आ जाओ बेटा आपको जो दिखाई दे रहा है ना क्रोमेटिन। इस क्रोमोसोम बार आ जाओ बेटा क्रोमोसोम को मैं पढ़ू स्ट्रक्चर प्रकार या मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ूं जो मैं चाहता हूं मैं आपको बताऊं बोलो बेटा ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ता हूं और उसका मैं जिक्र करता हूं बहुत खूबसूरती से आपको बताने चल रहा हूं क्रोमोसोम को बाद में पढ़ते हैं ठीक बेटा आओ डिस्कस करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ओके शुरुआत यहां से करते हैं धैर्य से सुनना पड़े बेटा इसे बेटा डीएनए कहते हैं दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगला क्वेश्चन बेटा ये डीएनए जो है बेटा इस प्रोटीन के चारों लिपट जाता है डीएनए बेटा इस प्रोटीन चारों लिपट जाता है जब लिपट जाता ऐसे तो हमारे पर नाम आता है और पहला नाम मैं लिखता हूं बेटा डबल स्टैंडर्ड डीएनए और दूसरा नाम मैं लिखता हूं न्यूक्लियोसोम अगर मैं कहूं डीएनए किसके चारों ओर लिपटता है तो जवाब होगा बेटा हिस्टोन प्रोटीन बेटा दो चीजें हो जाती है। निकलो दो चीज कौन कौन सी होती है मेरे बच्चे बोलो बेटा न्यूक्सोमो बेटा डीएनए होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन होती है यही तो बेटा हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है ऑक्टामियर होती है आठ यूनिट होते हैं कितनी यूनिट है? आठ कौन कौन सी होती है एच टू एच टू बी एच थ्री और बेटा एच फोर यानी जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसमें ये सभी डबल होती है जब बेटा ये सभी डबल होती हैं तो आक्टामियर कह देते हैं दो दो, दो और दो इज करेक्ट तो न्यूक्लियोसोम का मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन हां इस डीएनए में बेटा एबाउट दो बेस बेसपेयर होते हैं टिपिकल में 200 कहते हैं बट अबाउट 200 सौ बेस्पेयर होते हैं कितने बेस बेटा दो सौ बेस्पेयर और बेटा यहां से लेकर के यहां तक दो सौ होते इनकी भी दो टुकड़े बांट देते हैं यहां से लेकर यहां तक का जो टुकड़ा है वो लिंकर डीएनए कहलाता है यहां से यहां तक का और इसके चार जो लिपटा हुआ होता है वो उसमें लगभग बेटा 140 बेस पेयर होते हैं और यहां से यहां साठ बेस पेयर होते हैं इनको बेटा लिंकर डीएनए कहते हैं। ये बात बेटा समझ में आ रही है आपको गौर से सुनिएगा सबको आता है बेटा थोड़ा सा यहां से देख लो डीएनए होता पहला पॉइंट डीएनए प्रोटीन जब लिपटता है तो कितना लिपट जाता है कितना लिपटता है ये कितना लिपटता बेटा तो वन थ्री बाई फोर क्वाइल बस यानी पौने दो क्वाइल बेटा लिपटता है पूरी दो क्वाइलिंग नहीं करता पौने दो क्वाइल बस केवल पौने दो क्वाइल दो क्वाइल पूरे नहीं करता है चलिए इसके बाद क्या होता है क्या आपने सोचा है कभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा निकलो सोम के बाद हम लोग ये देखते हैं बेटा कि इसे मिटाल देते हैं भी एक दो और बना लेते हैं एक दो पॉइंट और बना लेते हैं है ना ऐसे अब देखो बेटा ये लिपटा एक पौने दो एक पौने दो एक पौने दो पता है आपको इसे न्यूक्लोसम तो कह रहे हैं लेकिन मेरे बच्चे यही चीज जब बार बार क्वाल कर जाए ये एक क्वाल बनाया दो क्वाल बनाया तीन बनाया चार बनाया पांच बनाया छह बनाया सात बनाया जब ये बनाने लगे हम लोग चलिए क्वेश्चन अभी इसमें और हटा देते हैं बेटा क्योंकि उसको जोड़ेंगे तब सही रहेगा ये जब बेटा एक दो तीन कलर चेंज कर दो तो ठीक रहेगा ब्लू से लगाओ बेटा एक दो तीन चार पांच ठीक ऐसे बेटा एक दो तीन चार पांच छह क्वाइल ऐसे मिल जाते हैं तब इसका क्या नाम हो जाता है बेटा नंबर तीन बोलेंगे इसे बेटा सोलिनोइड कहते हैं सोलिनोइड मतलब एक रिंग होती बेटा ध्यान से सुनिए बेटा सबसे पहले डीएनए था अकेला धागा धागा प्रोटीन जारो लिपटा तो निक्लोसोम कहलाया ऐसे छह निक्लियोसोम ऐसे छह छोसोम एक रिंग में लग गए बच्चों का खिलौना होता है ना उसमें चार जगह आप पत्तियां बांध दो कुछ बांध दो छह जगह बेटा छह जगह एक सर्किल में छह जगह एक रिंग विद छलोसोम एक रिंग विद छोसोम एक रिंग विद छोसोम तो उसे सोलिन कहते हैं लेकिन अब एक रिंग फिर दो रिंग फिर तीन रिंग फिर चार रिंग फिर पांच रिंग अगर आप इस रिंग का नंबर लगातार बढ़ाते रहोगे लाइक दिस एक रिंग दो रिंग तीन रिंग चार रिंग पांच रिंग अगर इसका नंबर बढ़ाते रहोगे तब बेटा इसका चौथा नाम हो जाएगा इसको हम लोग क्रोमेटेड कह देंगे कुछ समझ में क्रोमेटिड कह देंगे पहला नाम हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पढ़ना पड़ेगा दूसरा मुझे निक्लोसोम पढ़ना पड़ेगा तीसरा सोलिनोइड पढ़ना पड़ेगा चौथा क्रोमेटिड पढ़ना पड़ेगा और जब दो क्रोमेटिड ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक क्रोमेटिड में इसके बगल बना दूं बेटा एक क्रोमेटिड इसके बगल बना दूं लाइक दिस एक दो तीन चार पांच छह एक क्रोमेटिड ये बना दिया दिस इज अनदर क्रोमेटिड। जब ऐसे दो क्रोमेटिड लगा दू तब बेटा एक क्रोमोसोम बन जाता तब बेटा क्रोमोसोम बन जाता है तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं जो आपको धागा दिखाई दे रहा है वो एक क्रोमेटिड है और दोनों क्रोमेटिड बेटा कहां से जुड़े होते हैं कैसे जुड़े होते हैं दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं दोनों के डीएनए जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं तो सेंट्रोमेयर कौन सा एरिया होता है मैं बेटा यहां क्यों नहीं लिखता हूं कि रिवीजन में पूछना तो पड़ेगा तो आप लोग फ्रेम बनाते समय नोट्स बनाते समय जो भी मन हो आपका जैसे भी मन हो बेटा ध्यान रखना सफलता के लिए शॉर्टकट कभी नहीं होता है हां स्मार्ट इस स्टडी जरूर होती है स्मार्ट इस स्टडी कैसे एग्जाम में कौन सा टॉपिक ज्यादा आता है उसको ज्यादा पढ़ना ये स्मार्ट इस स्टडी है लेकिन थोड़ा पढ़ना सफलता हासिल होने नहीं देगी नहीं होने देगी स्मार्टनेस से कैसे पढ़ना है इसके लिए आप अनसॉर्ड पढ़ो एक एक साल का पेपर पढ़ो देखो कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी मिल रही है और फिर एक बार बेटा हर बार कोई नया चैप्टर पढ़ने से पहले उसी क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़ो आपके पास टीजीटी पीजीटी का जो पेपर होगा जो पिछले सालों में हुआ है आप प्रति दूसरे दिन तीसरे दिन एक पेपर रीडिंग करो आपको नहीं आता इकोलॉजी का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मत आने दो ना पढ़ डालो लेकिन उन पूरे पेपर में अगर 22-25 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं और कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो और पढ़ते समय क्वेश्चन आपको आ गया वह क्या बात है अरे ये तो पेपर में आया था अरे अभी कीर्ति लिखाते तो पेपर में सर आया था क्यों ये मैं आपको बता रहा हूं आपको ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए कि मैंने पढ़ाता हूं पेपर आया था मैं क्यों बताऊं ये मैं क्यों बताऊं समझ रहे ना बच्चे तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा क्योंकि अगर आप पेपर पढ़ लेते हो एक बार एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा बार बार पढ़ोगे बेटा अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप 30 25 15% लोग कहते हैं आता है तो आप तो गलत गलत नहीं होंगे और प्लस आपकी अपनी पढ़ाई का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अच्छा ये पढ़ा तो था मैंने अब आ गया आपने बेटा 120 क्वेश्चन पढ़े किसी अनशॉर्ट पेपर के कि किसी साल के आए हुए उसके बाद सेल के तीनों चैप्टर पढ़ डाले आपने तो आपको पता चार क्वेश्चन मिले पांच मिले यार देखो यार अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा बस जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो गया दुनिया की कोई को ता, ताकत थ्रु हरा सकती है हम स्वयं से हारते हैं हम स्वयं से हारते हैं दुनिया का कोई आदमी मुझको नहीं हरा सकता कोई मना कर सकता है क्या कि क्लास मत लो जा करके? नहीं मना कर सकता मेरे अंदर इच्छा जिस दिन नहीं होगी नहीं नहीं आज अरे मन नहीं कर रहा दुनिया कोई ताकत क्लास लेने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकती हमें वो बनाना है अपने आप को माइंड सेट कैसा हो मेरा और माइंड सेट बेटा अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि आप माइंड सेट बहुत बेहतर बनाओ अभी आपको बहुत जाना है क्या उम्र है क्या बात है कैसे जज्बात हैं कैसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो निश्चित तौर पे हो सकता है ऐसे बहुत से बच्चे जो आने वाले समय में पीसीएस का पेपर दे रहे हैं मैंने बेटा नहीं सोचा था पीसीएस तक जाने के लिए लेकिन मैंने अब सोचना शुरू किया है कि वो टॉपिक भी मैं पूरा करूंगा मैं दृष्टि के जो दृष्टिकीर्ति सर हैं समय तो नहीं मिलता है बट मैं उनके लेक्चर अब सुनना शुरू करते बिल्कुल प्यार से पढ़ाते हैं बेटा उसी तरीके से मुझे लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन लिखे और एक्सप्लेन कर रहे हैं कहानी बता रहे हकीकत यही है हकीकत यही है कि यह छोटी सी बात को बहुत अच्छे से कैसे बता सकते हैं बेटा तुम्हें बच्चों हमें क्या करना है हमें अपनी एनर्जी को ऐसा बनाना है कि कोई हमें बीट कर सकता क्या नहीं कर सकता है कि नहीं चले अगले क्वेश्चन पर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग चलिए रविंद्र जी लिख रहे हैं न्यूक्लियोलस डिफाइंड बाय ब्रडवले इन 1981 न्यूक्लियोसोम क्या लिखा है निक्लोसोम अलग अलग साइंटिस्ट ने निक्लोसोम पर समय समय पर अपना वर्क किया है बेटा ठीक निक्लोसोम का जो मॉडल है मॉडल जो है अच्छा विकास दिव्य कीर्ति नाम है ठीक विकास दिव्य कीर्ति नाम उनका है ठीक है मैं दृष्टि दिव्य कीर्ति विकास सर अच्छा विकास सर के नाम बहुत अच्छा है बट जो लैंग्वेज होती ना बेटा वो बहुत अच्छी होती ये मॉडल बेटा प्रपोज किया था रोजर कॉरनबर्ग ने न्यूक्लोसोम का मॉडल रोजर कॉरनबर्ग ने प्रपोज किया था बेटा चलिए मैं कहां पर था बेटा मुझे उम्मीद है कि मैं ये बात समझ में आई बेटा ये किसी किसी क्लियर हुआ बेटा अब ध्यान दो बेटा ध्यान से सुनिए बेटा ऐसी कंडीशन जो सेल में कब दिखती है ये कंडीशन कब दिखती है तो आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा और सेल साइकिल में दो फेज होती है इंटरफेज और एम फेज ठीक इंटरफेज और एम फेज निकुलाइट बेटा प्रो से में होता है अभी बताएंगे इंटरफ क्या बोला मैंने अभी कहां थे यार ले गए तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखने का निकुलाइट दिखाया आपने हाँ, इंटरफेज और बेटा एम फेज इंटरफेज में जीवन एस और जी टू ये सारी स्ट्रक्चर बेटा प्रेजेंट होते हमारे जीवन और एस में और ये कंडेंसेशन जब शुरू होता है प्रोफेज ऑफ द एम फेज में और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार होता हो बेटा मेटाफेज ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी सेल साइकिल के केवल मेटाफेज में क्रोमोसोम नाम आता है दैट्स ऑल पूरी सेल साइकिल के पूरी सेल साइकिल के मेटाफेज में क्रोमोसोम स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है कैसे स्टडी करते हैं कैसे स्टडी करते हैं ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है बेटा जब सेल डिवीजन शुरू हुआ जब जी टू फेज खत्म हुई जब प्रोफेज शुरू हुई कोई बाउंड्री वाल थोड़ी लगी कहीं पर कोई बाउंड्री वाल थोड़ी लगी है ये एस फेज खत्म हुआ फिर जी टू फेज आ गया जी टू फेज के बाद बेटा प्रोफेस शुरू हो गया कोई दीवाल थोड़ी मैं इसे लांग कर वहां जाने वाला हूं कंपोनेंट सारे आ गए शुरू हो गई प्रोफेस का काम पूरा हुआ मेटाफेस शुरू हो गई मेटाफेस का काम पूरा हुआ शुरू हो गई मतलब घटनाएं उस क्रोमेटिन क्रोम में घट रही हैं उन घटती घटनाओं को डिवाइड हमने आपने कर दिया अच्छा अच्छा पेपर बनाना यार क्या बनाना है क्या बनाना है अरे यार एक क्वेश्चन लिखने हैं कैसे लिखोगी इस न्यूक्लियस डिवीजन को कैसे लिखा जाए यार ऐसा करो कंडेंसेशन कब हो रहा है अच्छा कंडेंसेशन होता है हाँ डिकंडेशन भी होता है अच्छा, अच्छा। तो दो बांट दोन मतलब जो घटना उसमें हो रही है वो सब जैसे मैंने कहा मैंने नहाया धोया बेटा इनरवियस पहने और मैं शर्ट पहन रहा हूं शर्ट पहन लिया मैं बटन लगा रहा हूं शर्ट पहनना और बटन लगाने के बीच क्या है क्या दो अलग चीजें हैं शर्ट पहनना हाँ अब शर्ट पहनना और फिर दूसरी चीज बटन लगाना अरे दो काम हो गए यार शर्ट पहनना फिर बटन लगाना अब किसी का दो काम कैसे ये तो एक ही हो गए किसी का नहीं दो किसी का एक तो ये हमने और आपने बेटा शर्ट पहनना और शर्ट बटन लगाना दो भागों में बांट दिया है इन हकीकत में वो थोड़ी बटी हुई हो तो प्रोसेस है कि शर्ट पहनूंगा तो बटन लगाऊंगा ऐसे बेटा प्रोफेज है फिर फेमेटोफेज आएगी फिर एनाफेज आएगी फिर टेलोफेज आएगी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बेटा मदर सेल्स द प्री एग्जिस्टिंग जो सेल डिवाइड हो रही है वो प्री एग्जिस्टिंग होंगे पहले से पाई जाने वाली भाई हम इस बेंच पर बैठे हैं और एक कोई और आ गया तो पहले से बैठा है अब यहां दो हो गए तो एक मदर सेल अब डिवाइड होकर दो हो गई दिस इज सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी दो डॉटर सेल जो बनी एक एक सेल से दो बन गए तो पहली मदर सेल को प्री एग्जिस्टिंग कह देते हैं इस करेक्ट बेटा बात समझ में आई मुझे उम्मीद है फिर बोलो सेल साइकिल में अभी सेल साइकिल आएगा न्यूक्लियस डिवीजन इसी के बाद आएगा थोड़ी देर के बाद न्यूक्लियस के बाद पहले सेल साइकिल पढ़ा देंगे बायोमालिकुल बाद में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेजन में आया तो बेटा क्रोमेटिड और क्रोमोसोम जैसे शब्द केवल कब बोलेंगे हम सब जब हाईली कंडेंस हो जाएंगे जब कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम कह दिया। अभी तो शर्ट मैंने पहनी नहीं ना नहीं पहनी ठीक है अच्छा मैंने शर्ट डाल लिया ओके? अच्छा बटन लगा लिया हाँ जब मैंने बटन लगा लिया यहां भी बटन लगा लिया सब ठीक बिल्कुल रेडी हो गए ओके दिस इज मिटाफे अच्छा एनाफेज कब होगी जब शर्ट खोलेंगे एनाफेज हो जाएगी यानी कि कुछ समय मेटाफेज के लिए और जैसे ही मैंने बेटा शर्ट खोली ये टूटा दिस इज द जैसे शर्ट खोली हो गया। जब तक बेटा शर्ट पहनी देखो शर्ट पहनना शर्ट पहनना दिस इज बोलो प्रोफेशनल चल रही है और बटन लगा लिया दिस इज कंप्लीट मेटाफेज हो गई और जैसे ही बटन खोली दिस इज एनाफेज और फिर शर्ट बाहर डाली दिस टीलोफेज वही कंडीशन आ गई शर्ट पहनना शर्ट पड़ी है इंटरफेज पहनना शुरू करना प्रोफेज बटन लगा के तैयार हो जाना मेटाफेज बटन खोल के अलग करना टूटता है प्रोफेज उतार रख देना टिलोफेज पहनना शुरू करना प्रोफेज उतार रख देना टीलोफेज पहनना शुरू करना प्रोफेज उतार रख देना टीलोफेज पहनना शुरू करना प्रोफेज उतार रख देना टीलो पहनना शुरू करना देना टेलोफेज बीच में क्या हुआ बटन लगाकर बिल्कुल अपटूडेट तैयार हो जाना दिस इज मेटाफेज और खोलने लगना दिस इज कार्ड एना समझ में आया <laughs> तो बेटा क्रोमोसोम कब बोलते हैं कब बोलते हैं बेटा केवल मिटाफेज अपेट शर्ट पहन का तैयार हो जाते हैं तो क्वेश्चन आता है स्टडी स्ट्रक्चर की स्टडी कब करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कब करते हैं तो जवाब होता है बेटा आपका ये शेप कब देखते हैं शेप कब देखते हैं बोलो ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम और ये कब होता बेटा एनाफेज़ ठीक। जब अगर ये कहा जाए कि क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है देखो ये देखो ये मूवमेंट हो रहा ये है ये सेंट्रोमियर है, खींचा मैंने तो ये दो आर बराबर दिस इज बेटा मूवमेंट तो मूवमेंट कब देखते बेटा एनाफेज में लेकिन जब बेटा हम लोग कहें स्ट्रक्चर कब स्टडी करते हैं बताओ बेटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कब देखते बेटा मेटाफेज में मेटाफेज में तीन चीजें नंबर स्ट्रक्चर साइज बोलो मेटाफेज में क्रोमोसोम का क्या क्या स्टडी करते हो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों प्लीज बता दो नींद लग रही होगी सोने का मन हो रहा है कि नहीं बता दो अच्छा हो रहा है अरे नालायकों सोने का मन नहीं होना चाहिए जब अच्छा पढ़ रहे हो तो मेरा तो मन नहीं करता लेकिन बंद करना पड़ता बेटा सच बताऊं, लगता चलो और बता दो यार थोड़ा और बता दो अच्छा फिर कहते अच्छा छोड़ो घड़ी पे नजर जाती टाइम बढ़ रहा है, है कि नहीं आइए बेटा तो हम लोग ये क्लियर हो गया था बेटा इसे मालिकुलर बायोलॉजी में जानना पड़ेगा देखना पड़ेगा और पीछे वापस आ गए हम लोग बेटा ये क्वेश्चन दिया है बेटा क्रोमोसोम किसे कहते हैं है, है ना कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन कॉल्ड क्रोमोसोम क्रोमोसोम कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन सेल डिवीजन और सेल डिवीजन में प्रोफेज में कंप्लीटेड इन मेटाफेज में ठीक मिस्टर ने डिस्कवर्ड किया क्रोमोसोम इन पोलेंस सेक ऑफ द ट्रेडिस्केंसी प्लांट में बेटा स्टासबर्गर ने स्टडी किया क्रोमोसोम को बेटा वाल्डियर ने नाम दिया क्रोमोसोम का बेटा फ्लैमिंग ने स्टेन किया क्रोमेटिन बेसिक डाई साइंटिस्ट हो गए साइज मिनिमम साइज मिनिमम अगर कहा जाए छोटे क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा किसके होते हैं तो फंगस के क्रोमोसोम ज्यादा छोटे होते हैं ट्रिलियम एक प्लांट है जिसमें बेटा 30 माइक्रोमीटर साइज थोड़ा सा बड़ा होता है नंबर मिनिमम क्रोमोसोम हेप्लोपेपिस पैपस में होते हैं बेटा हेप्लोपेपस है में ग्रेसलिस में जो कि एक फंजाई है टू बराबर चार होते हैं एस्क्रेस मेगेलो सिफेला जिसमें टू बराबर दो होते हैं सबसे मिनिमम क्रोमोसोम प्लांट और ये एनिमल ऐसे मैक्सिमम क्रोमोसोम ऑफियोग्लास में एक फर्न इसमें बारह पाए जाते हैं बेटा और आलो कैंथा में 1600 होते हैं टू बराबर बेटा एनिमल में ज्यादा तो थोड़ा सा याद करने का विषय है जिसे हम लोग याद कर लेंगे करेक्ट चले आगे स्ट्रक्चर मैंने बताया देखो सुबह ऐसे पढ़ना बेटा एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं कंडेंस पार्ट ऑफ क्रोमेटिन को क्रोमेटिड कहते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है बेटा दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं उस पॉइंट को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं जिनके दोनों तरफ एक एक प्लेट होती है इसे कैनेटोकोर कहा जाता प्रोटीन की प्लेट होती है बेटा जिस पर स्पेंडिल फाइबर अटैच करते हैं फाइबर को निगेटिव पोल होता है बेटा इस क्रोमेटेड जो किनारे होते हैं उसे कहते हैं बेटा। जी जी, जी रिच होता है बेटा। ठीक न्यूक्लोलस अटैच होता है उसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है ये हमने बता ही दिया है जिसमें न्यूक्लोलस होता उसमें है उसमें बेटा सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं सेट क्रोमोसोम कहा जाता है चारों बेटा मैट्रिक्स भरा होता है चारों पेलिकल भी होती है लेकिन डबल रहता है लेकिन जीवन फेज में जो नंबर्स की बात हो आगे में, में डिस्कस करेंगे और बताएंगे बहुत आसानी से हो जाएगा वो बिल्कुल कठिन पार्ट बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चों फिर क्वेश्चन क्या आया टाइप्स शेप ऑफ द क्रोमोसोम डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ्रोमर बेटा ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम का शेप देखा जाता है एनाफेज में अब कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेज होते हैं सब मेटाट्रिक मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक होते हैं बिल्कुल बीचों बीच में बीचों बीच में बीच के बगल में किनारे के बगल में ऐसे लिखा था बीचों बीच में हिंदी में लिखा अंग्रेजी में लिखो अंग्रेजी में लिखो यार मिडिल बिल्कुल बेटा मिडिल में यहां बोलेंगे साइड ऑफ मिडिल ठीक साइड ऑफ टर्मिनल ये बिल्कुल टर्मिनल बिल्कुल टर्मिनल पर सेंटोमियर है टर्मिनल से थोड़ा अंदर है बेटा बिल्कुल बीच में है और साइड ऑफ द मिडिल मिडिल थोड़ा अलग है अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बेटा इसमें कहते हैं इक्वल आर्म बोलो क्या कहते हैं इक्वल आर्म बेटा केवल इसी में इक्वल आर्म होती है बस केवल इसी में इक्वल आर्म होती है बस आपको कहीं और इक्वल आर्म नहीं दिखाई देंगे केवल इक्वल अलाउंस में बाकी सब जगह अनइक्वल होती आज जब बेटा एनाफेज में घूम रहा होता है स्पिंड पे खींच रहे होते हैं तब इनके शेप दिखाई देते हैं वी शेप्ड एल शेप्ड जे शेप्ड आई शेप्ड ह्यूमन में कौन से क्रोमोसोम किस नंबर के क्रोमोसोम कौन से होते हैं अगर ये कहा जाए तो आप दो चीज आते हो और पांच इसमें वाई क्रोमोसोम मिला लो ये बेटा क्रोमोसोम होते हैं एक्रोसेंटिक 13 14 15 21 22 जिसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है बेटा इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता, 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 होता है इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है एक्रोसेंटिक अलोंग विद द वाई क्रोमोसोम ये छह क्रोमोसोम हैं जो एक्रोसेंटिक होते हैं और 1 2 3 19 16 19 और 20 1 2 3 16 19 20 ये जो होते बेटा ये मेटासेंट्रिक होते हैं और ह्यूमन बेटा टिरो नहीं होते हैं रिमेनिंग बेटा को हमने लिखे नहीं रिमेनिंग हो जाएंगे अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो मुझे उम्मीद है बेटा मैंने जो अभी बातें आप बताई ये बताया इसको बताया मैंने इसको भी डिस्कशन किया ये भी मैंने बताया और ठीक क्रोमोसोम का मैंने आज छोटा सा पार्ट लिया है क्रोमेटिन के बारे में कल और डिस्कस करेंगे बेटा क्रोमैटिन पर्टिकुलरली तो अब फिर से एक बार बेटा वो जो बात बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी से ही बेटा कोर्स को आप ले लेंगे तो आपके ले लिए फ़ायदेमंद रहेगा सिस्टमेटिक आपकी पढ़ाई चलती रहेगी टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है जो क्लास है वो जस्ट अभी मैं बेटा आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद हम आपको भेज दें उसमें एक्चुअली कोच उसमें बेटा डे दे, मैंने डेट नहीं मेंशन की थी शेड्यूल बना दिया था डेट नहीं भी बनाई थी तो डेट अभी बना देते हैं मैंने कहा था अल्टरनेट में लूंगा बेटा ठीक वरुण <laughs> मेरी बातों में खो गए थे आ हा हा आनंद आ गया आनंद आ गया नहीं चलिए तो बच्चों तो जितने भी लोग जो भी लोग वाच कर रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा हो ठीक तो बेटा हम कोर्स परचेज करते हैं तो पीडीएफ डी सब कुछ मिलेगा हाँ मैं आपको बता दूं बेटा ये पीडीएफ मिलेगा आपको पूरा जितना मैं पढ़ा रहा हूं एम पी कौशिक रमेश गुप्ता की थ्योरी के भी शॉर्ट पॉइंट्स आपको मिलेंगे फिर से सुन लेना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सालों लग जाता नोट्स बनाने में लोगों को बेटा एम पी कौशिक रमेश गुप्ता के शॉर्ट में इसी पंद्रह सौ रुपए में बेटा और इसी पंद्रह सौ के बता रहा हूं रट लेना उनसे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा उन किताबों को कंप्लीट है बेटा पूरी है और यहां मैं सब कुछ बता ही रहा हूं आपको तो ध्यान रहे बिल्कुल भी इधर की ना उधर की बस केवल अपने कैरियर की ना इधर की देखनी ना उधर की केवल अपने कैरियर की सोचिए थोड़े समय के लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं अभी तो केवल आपने किसी ने दस दिन किसी ने पंद्रह दिन किसी ने पांच दिन हमसे जुड़ा हुआ है बेटा जब आप पढ़ना शुरू करोगे जब आप थोड़ा सा समय और बिताओगे तो आपको सब्जेक्ट तो अच्छा लगेगा ही लगेगा साथ ही साथ आपको एक माहौल बनेगा आपका मोटिवेशन होगा आप अपने आप को जागृत कर पाओगे आप जीवित इंसान तरह नजर आओगे अरे मैं तो कहाँ पढ़ा हुआ था मुझे लग रहा था ये कुछ नहीं आपके अंदर जो पावर एनर्जी दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं किसी के पास नहीं बेटा इसलिए अपने आप को कमजोर बिल्कुल मत समझो उठो जागो और चलो सामने में खड़ा आपको मिलूंगा लगे रहो मैंने तो मैंने तो कसम तो मैं खाता नहीं बेटा कि मैं कह दूं मैंने कसम खाई है मैं तो बोलूंगा नहीं इन मैंने ये जरूर सोच रखा है कि मैं इस क्लास को हमेशा पढ़ाता रहूंगा आपके साथ जुड़ा रहूंगा इसलिए ध्यान रखिए बेटा हां प्रिंट भी निकल आएगा बेटा उसका प्रिंट भी निकल आएगा प्रिंट निकाल सकते हैं आप उसमें प्रिंट भी निकल आएगा करेक्ट है दोनों चीजें हो जाएंगी प्रिंट निकाल लेंगे आप प्रिंट निकाल सकते हैं ठीक प्रिंट अगर यहां से मंगाना है एक्स्ट्रा पैसे क्यों दोगे भाई हम कहेंगे चार सौ रुपये और दे दो मुझे पाँच सौ रुपये की किताब पड़ेगी हम आपके पास पाँच सौ रुपये दे दीजिए और आप वहीं से प्रिंट निकलवा लीजिए हालांकि मैं उस किताब को अभी और बना रहा हूँ उसका थोड़ा थोड़ा कायदे से बना लूँगा तो मैं आपको दूंगा है ना फिर उसके जो कास्ट लगेगी वो बात अलग लाख मैटर है आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं ठीक है तो मैं बच्चों लगे रहो मैंने आपसे कहा ना कि मैं कोई कसम तो खाता नहीं हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा सा आकोड़ सी लगती है कसम खाना अच्छी चीज नहीं होती है आप अच्छा काम करते हो गलतियां नहीं करते हो कसम किस बात की खैर तो बेटा कोर्स परचेस कर लीजिए प्रिंट आपको लगातार मिलते रहेंगे सल्यूशन मिलता रहेगा टेस्ट आप प्रॉपर देते रहिए हफ्ते में तीन टेस्ट है पच्चीस क्वेश्चन का एक चैप्टर का छोटा सा पढ़ लिया हमने आराम से है ना और उसके बाद जानते हो क्या होगा बेटा एक बार टेस्ट की सीरीज चल गई उसके बाद इस पच्चीस को मैं रिवाइज भी करूंगा और पच्चीस उसमें और जोड़ दूंगा तो हो गया पचास फिर पचास क्वेश्चन का चलता है। फिर बेटा जब ये बीत जाएगा छह महीने बाद साल भर बाद तो फिर पच्चीस जोड़ दूंगा सेवेंटी फाइव क्वेश्चन टेस्ट देना फिर बेटा सब क्वेश्चन टेस्ट देना कितनी बार यार कितनी बार सब याद हो जाएगा और जब मैं एक बार पढ़ा चुका हूंगा तो फिर दना दन रिविजन करूंगा पलटी देखो बेटा प्रकार ये हैं कहाँ 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 का ओके डन ओके आगे बढ़ो तो बहुत बेहतर रहेगा आप अभी जुड़े हो अभी आनंद आएगा मेरा सफर पिछले 35 सालों से चौंतीस सालों से चल रहा है तो ऐसे ही थोड़ी है कि चौंतीस साल तक लगातार पढ़ाते रहना और तब पढ़ाते रहना जब आप केवल प्राइवेट पढ़ा रहे गवर्नमेंट में ना हो तब एक बड़ी बात होती है चौंतीस साल पैंतीस साल से कोई टीचर लगातार अपने मुकाम पर बैठा हुआ पढ़ा रहा लगातार सिलेक्शन दे रहा है बहुत बड़ी बात होती है सोचो तो कुछ नहीं है सोचो तो बहुत कुछ इतना सफर बीत गया इतना लंबा समय हो गया क्या कहें इसलिए बिना पढ़ाए तो हम रह पाते इस बैच में मुझे पढ़ाने में लगातार अच्छा लगने लगा है और अच्छा लगेगा ये मुझे मालूम है ठीक है तो गुड नाइट बेटा कल मैं इसमें क्रोमेटिन बताऊंगा, यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन पर मैं चर्चा करूंगा और साथ ही साथ बेटा हम न्यूक्लियस सेल डिवीजन पर बात करेंगे कल ओके बेटा थैंक यू